हम दोनों प्यार में पड़ गए थे मतलब हमारे प्यार की निशानी पूछ के नहीं पाए। हो सकता है और आज हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा एट द टॉप। एक्चुअली राज जी ने हमें कहा था कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग ज़रूर एक बार जाना, शेयर करना, लेकिन हम लोगों ने तो ऑलरेडी टिकट भी कर लिया था उस टाइम पे, और फिर तो आपको पता है कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, तो वो तो कैंसिल हो गया था। तब फाइनली आज हम जा रहे हैं। ये जो नीचे है ना, ये टनल है, यू कैन सी डाउन। हाँ, नीचे भी देखिए गाड़ियाँ जा रही है। और हम अभी खड़े खड़े जा रहे हैं, है ना, ये देखिए ऐसे। आज बहुत ऊपर जाना है हमें, है ना आज तो भगवान के पास जा रहे हैं, आधा रास्ता तो जा ही रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है कि ये बिल्डिंग कैसे बना, जो 2004 से शुरू हुआ था और 5 में बना था कुछ ऐसे। फिर आया 2006 और 6 में बस इतना ही बना था, ये ऐसे 2007, एक साल में 50 और। हाँ, पहले 2 साल में 50 हुआ था क्योंकि बेस बनाना पड़ा था ना, और उसके बाद 150 लेवल 2007 तक। Level 160, world's tallest man-made structure was ready. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे बना, कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। And 2009.
एंड 2010 कंप्लीट। ये 2010 वही साल है जब हम दोनों प्यार में पड़ गए थे। मतलब हमारे प्यार की निशानी बुर्ज खलीफा है। हो सकता है। और अभी बुर्ज खलीफा के ऊपर आने के बाद जो मुझे हमेशा फील होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बुर्ज खलीफा के नीचे और ऊपर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पता है क्या? जब लोग नीचे रहते हैं सब ऊपर की तरफ फ़ोटो खींचते हैं, और जब लोग ऊपर आते हैं सब नीचे की तरफ फ़ोटो खींचते हैं। है ना? बिल्कुल है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस। सही बात है। क्या पते की बात करी है तुमने। हाँ, ये है नीचे दुबई फाउंटेन और ये है दुबई मॉल। इस साइड ये दुबई मॉल है और ये वो है दुबई फाउंटेन। तो गाइज ये है पूरा शेख जायद रोड एंड यू कैन सी द टावर्स ओवर देयर। ये है दूसरी थाने ये वाला और वो है चिरोड़ा। ये वाला जो बिल्डिंग है ये शिप की तरह दिखता है, ये आपने हमारे ब्लॉग में कई बार देखा होगा लेकिन आज हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। और ये एरिया तो काफ़ी खूबसूरत है और वो वहाँ पे जो एक राउंड है ना बड़ा वाला वो है कोको कोला एरिना। एरिना मतलब ऑडिटोरियम। और मैं अभी आपको दिखा दी हूँ कि हम पहले कहाँ पे रहते थे और हमारे ब्लॉग में जो आप एक पार्क देखते थे ना वो रहा वो पार्क। छोटा सा सर्कल और उसके नीचे जो दिख रहा है ना वो एक पार्क, वो है अल खजान पार्क। उस पार्क में हम लोग जाते थे और हम लोग रहते थे इसी के ऑपोजिट में, और वो सामने वाला उसी बीच में हम जाते थे। देखो वो वाला घर दिख रहा है यहाँ से, उस बीच में हम हमेशा जाते थे, वही हमारा फेवरेट बीच है। इसको बोलते हैं आज हम ऊपर आसमान नीचे। By the way, हमारे नीचे है ना ये इमारत स्क्वायर है जहाँ पे नून का बिल्डिंग है, नहीं बाजू वाला। ये जो तीनों बिल्डिंग है और ये जो तीनों बिल्डिंग है ये इमारत स्क्वायर है, ये तीनों और वो तीनों। So guys, what all we can see from here? ये तो है दुबई मॉल। हाँ। और उधर है वफी सिटी, वो जो एक पिरामिड की तरह दिख रहा है ना छोटा सा गोल्डन कलर में जो चमक रहा है वो वहाँ पे है वफी सिटी। और उस साइड में है फेस्टिवल सिटी। ये जो इतना सारा पानी दिख रहा है ना वहाँ पे जो कुछ टावर्स खड़े हुए हैं उस तरफ। दूर जो टावर्स नज़र आ रहे हैं पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा, बहुत दूर वो है शारजा। और यहाँ पे एयरपोर्ट है, एक लंबा सा जो टनल दिख रहा है ना वहाँ पे, इस मेरे उंगली से। हाँ, वहाँ पे एयरपोर्ट है, जस्ट उसके पहले है हयात होटल। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप दुबई आए हो, सिर्फ एक दिन के लिए, पूरा दुबई दिखना है बुर्ज खलीफा के ऊपर आ जाओ, पूरा दिख जाएगा। वैसे ये सिर्फ एक तरफ का है, दूसरी तरफ का अलग अलग व्यू होगा। बालकनी
और यहाँ से भी काफी अच्छा व्यू है ना। वो देखिए दूसरा बालकनी, तो दैट्स द एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस ऑफ बुर्ज खलीफा। ऐसे ही एक बालकनी में हम थे। वो मेट्रो है और ये देखिए ये है एक पूरा, यहाँ से ये टनल गया है, ये इस टनल में पूरा चल के आपको दुबई मॉल जाना पड़ता है। ये काफी बड़ा है, काफी लंबा है, बहुत चलना पड़ता है। दैट्स लाइक कनेक्टिंग फ्रॉम दुबई मेट्रो टू दुबई मॉल। कैनाल, ये वाला कैनाल जो है ये बाद में बना था, ये ज्यादा पुराना नहीं है। वहां पे दूर देखिए भूजल अरब दिख रहा है उस साइड, पूरा भूजल अरब। जैसे जैसे हम मूव करते रहेंगे थोड़ा व्यू जो है वो चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे है वो होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था स्टेकेशन पे, और वो रहा वो होटल, ये वाला, हाँ ये, दिस वन रमादा, यहीं पे हम थे जहाँ से व्यू ऑसम है। इतने ऊपर हमारे साथ आके आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट में लिख के, हमें अच्छा लगेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक। ओरिजिनल इसका पानी जो है ना उसका ऐसा ही कलर है, आई डोंट नो हाउ बट इट्स लाइक दैट। हाँ पर ऐसा नहीं है कि पानी को ऐसे हाथ में उठाओगे तो ब्लू ब्लू नजर आएगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल पानी है लेकिन जब वहाँ पे वो रहता है तो ब्लू दिखता है, पता नहीं कैसे। सो गाइज ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ये अराउंड 95 से भी ज़्यादा यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से बुर्ज खलीफा ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है, और मैं आपको दिखा दूँ आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। और हाँ एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो दुबई में और बुर्ज खलीफा में आ रहे हो, आपके पास पानी का बोतल है तो आप वो बाहर नहीं निकाल सकते, इसके अंदर आपको पानी पीना है तो यहाँ से खरीद के पीना पड़ेगा, बाहर का पानी नॉट अलाउड। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लेवल नंबर 125। यहाँ 24 के बाद अभी 25 की बारी है। और वो भी हम सीढ़ी से जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा की सीढ़ी। काश यहाँ पे मैं सिम्बा और ब्राउनी को ला सकती, पेट तो अलाउ नहीं है ना, वो लोग ऐसे 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 दिखती। हाँ हार्ट फेल करके टपक जाता है डायरेक्ट। नहीं नहीं हार्ट फेल नहीं करते, उन्हें कहा कैसे पता चलता, बस देख के थोड़ा सा उनको लगता है ये क्या है कहाँ आ गए। और गाइस जिसको भी है ना बुर्ज खलीफा यहाँ से देख के मज़ा नहीं आया तो वो यहाँ दुबई आके विजिट कर ले। Thank you.
नीचे उतरते टाइम नीचे का है, मतलब हम नीचे जा रहे हैं सब। Within 1 minute, from 124 to count. तो हम जमीन पे आ गए और मेरा कान जो है वो सुन पड़ गया है। एक एक करके चलना है? नहीं नहीं चलो 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 चलो। घूमी घूमी अब भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा। चलो पिज्जा खाते हैं। अभी हम पिज्जा हट आ गए हैं और मैं देख रही हूँ ये मेन कुछ चूज करते हैं अच्छा सा। अभी पिज़्ज़ा खा के मैं थक गई हूँ, घूम के और खा के मैं थक गई हूँ और अभी ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। तो आज के लिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।